देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। झाझा प्रखंड के उप प्रमुख मोहम्मद सद्दाम अंसारी ने प्रखंड के तमाम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों को मजदूरों से न करवाकर मनरेगा पदाधिकारी के द्वारा जेसीबी से करवाने का आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप लगाते हुए आवेदन मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना, जिलाधिकारी जमुई, जिला विकास आयुक्त जमुई, खनन विभाग पदाधिकारी जमुई, श्रम विभाग पदाधिकारी जमुई, प्रखंड विकास पदाधिकारी झाझा को भेजकर शिकायत की है और इस पर यथाशीघ्र जांच करवाकर कर्मियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे मजदूरों की उचित मजदूरी मिल पाए और उन्हें बाहरी प्रदेशों का रास्ता न देखना पड़े। सबसे पहले मामला यह है कि हम जो है एक आवेदन पीओ के पास पहले ही दे चुके हैं। किसके लिए? क्यों दिए थे कि पूरा प्रखंड में खुलेआम जेसीबी चल रहा है, तो हमको मजदूरों के माध्यम से ये पता चला है, कुछ मजदूर हमको बोला गया है कि हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रमुख साहब कुछ रोजगार दीजिए। तो हम बोले मनरेगा में बहुत काम है, आप लोग मनरेगा में काम कीजिए। तो मजदूरों की ओर से ये बात आया कि फुल जेसीबी चलता है, जिसमें हम साक्षात के तौर पर हम देखें, वहां का हमारा फोटो भी है और कुछ वीडियो भी बना हुआ है, जो कि जेसीबी खुलेआम चल रहा है और ये टांडव रात में होता है। रात में हम जब पीओ के पास कॉल किए हैं तो पीओ इग्नोर किया कॉल को, और इसमें अशब्द का भी कुछ प्रयोग किया गया है। और दूसरा नंबर, जब हम इसको आवेदन के माध्यम से कर्मी और बिचौलियों के बारे में बताएं तो ये सिर्फ सो गए हैं, बोला कि क्या कर लेगा उप प्रमुख, देखा जाएगा। एक चीज, पहले भी इसके नाम से डीएम सर को एक आवेदन गया हुआ है प्रमुख साहब के माध्यम से और सभी समिति के माध्यम से, इस पर भी ये इग्नोर किया गया, कोई बात नहीं किया है, बोला कि जो होगा देखा जाएगा, हमको ऊपर तक मैनेज है। आपका साफ कहना है कि मनरेगा का जो भी काम होता है सब जेसीबी से होता है? एकदम जेसीबी से होता है, मजदूरों से नहीं होता है? नहीं, ऐसा एविडेंस भी आपके पास है? हाँ, एकदम टोटल है। और दूसरा नंबर, हम जब मेरा कुछ यहाँ का जो है वर्कर जो थे वहाँ, यहाँ आने के बाद देखा गया कि इसका जो खुलता है पीओ 2 से 3 बजे पहुँचते हैं, और इसका वीडियो मेरा लेगी छूट और लौंगी छूट के साथ है। आज का भी वीडियो है कि 11 बजे वीडियो किया गया है, यहाँ टोटल बंद था, और ये यानी पूरा खुलेआम लूट हो रहा है। और इससे हमारा पर जनता का लगभग 500 जनता का पूरा प्रखंड में उसका दस्तखत, जॉब नंबर और जो है नाम है, और वो मोबाइल नंबर से आप लोग मीडिया कर्मी का भी दायित्व बनता है कि आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं कि मजदूर को कितना काम मिल रहा है। अच्छा, कुछ मजदूर ऐसे भी हैं कि जो मजदूर यहाँ नहीं उसका पेमेंट उठ जा रहा है, ऐसा कुछ? एकदम ऐसा है, और हम साबित कर देंगे, पूरा प्रखंड में मेरा सबूत है, जहाँ जहाँ जो काम हो रहा है टोटल मेरा पास साबित है, हम आपको देंगे भी। और बोलना चाह रहे हैं आपके थ्रू, इसके थ्रू तो कुछ नहीं सुना गया है, इसमें भागीदारी जो है बिचौलिया कर्मी और मनरेगा पीओ है, मनरेगा पीओ का अहम भूमिका इसमें है। इसका साबित ये है कि हम पहले जब इनको बोले मौखिक तो ये नहीं सुना, हम लिखित के तौर पर स्पीच पोस्ट किए पोस्ट ऑफिस से, मगर इनके पास आने के बाद मजाक उड़ाया गया मेरा लेटर को, और कहा गया उप प्रमुख क्या होता है। और हम जानकारी के लिए ये भी देना चाहता हूँ, अगर यहाँ से नहीं सुनेगा तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, डीडीसी सर को लिख रहे हैं, डीएम सर को लिख रहे हैं, और इसका खनन विभाग को लिखेंगे, श्रम विभाग को लिखेंगे, और मुख्य कार्यपालक पटना को लिखेंगे, यहाँ नहीं सुना जाएगा केंद्र सरकार को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये जेसीबी को रोक होना चाहिए, मजदूरों को काम मिलना चाहिए। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपका परिचय क्या है? मैं कार्यक्रम पदाधिकारी झाझा हूँ। सर, आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, किस तरह का आरोप बताया जाए, किनके द्वारा लगाया गया आरोप, आरोप किनके द्वारा और क्या लगाया गया बताया जाए? आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि जो मनरेगा में काम हो रहा है और फिर जो है लेबर का जो है पैसा बिचौलिया जो खाया जा रहा है आपके माध्यम से, ऐसा नहीं है? चाहिएगा? ऐसा नहीं है, मनरेगा योजना जो है सरकार का बहुत ही प्रतिष्ठित योजना है, जिसमें मजदूर जो अकुशल मजदूर है उनकी मजदूरी का हम लोग दिलवाते हैं, 100 दिन तक मजदूरी देते हैं, जैसे प्लांटेशन का स्कीम है, बहुत सारा स्कीम है, उसके बाद खेत पोखरी का स्कीम है, तालाब का स्कीम है, और भी पक्का चेक डैम वगैरह होता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है कि सर्वप्रथम मजदूर जो है काम मांगते हैं, उनको रजिस्टर्ड करते हुए रजिस्टर्ड मजदूरों को जो है पंचायत रोजगार सेवक पीटीए और जेई के सत्यापन के अनुसार ही उसको काम दिया जाता है, और काम देने के बाद स्थल पे
तीन चरण में मेरा जो है वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पंचायत रोजगार सेवक भी देखते हैं, उसके बाद जेई भी देखते हैं, पीटीए भी देखते हैं, तब जा कर के उसका उसके खाता पर भुगतान जाता है। कहीं भी मनरेगा में ना ही मशीन का प्रयोग वर्जित है और मैंने बिचौलिया का प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर किन्हीं के द्वारा शिकायत किया जाता है तो वह शिकायत किसी पार्टिकुलर स्कीम का नहीं है, किसी पार्टिकुलर पंचायत का नहीं है। पता नहीं उनके मन में क्या है नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, जनप्रतिनिधि के खिलाफ भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी पंचायत से किसी भी प्रकार का न मजदूरों का शिकायत प्राप्त हुआ है, न योजना संबंधित मशीन का प्रयोग हुआ उससे शिकायत प्राप्त हुआ है। सच्चाई आखिर क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो भी काम होता है उसको NMS से सत्यापन भी होता है, हर एक स्तर पे होता है, JEE भी देखते हैं, PTA भी देखते हैं, तब जा कर के हमारे पास आता है, तब हम लोग भुगतान करते हैं। हर एक मास्टर रोल पे अगर पंचायत समिति की स्कीम होती है तो उसमें पंचायत समिति सदस्य भी उसको अपनी सहमति देते हैं कि ना यह काम जो है मनरेगा के नियमानुसार हुआ है। पंचायत में होती है तो मुखिया, रोजगार सेवक और भी जो होते हैं उसको कार्य कर रहे हैं, मेट होते हैं, वो सत्यापन करते हैं। अगर ऐसा होता तो थोड़े हम लोग पेमेंट करते हैं किसी पार्टिकुलर स्कीम का, कभी तक शिकायत हमको नहीं प्राप्त हुआ है। प्रतिनिधि का इसमें क्या भूमिका? प्रतिनिधि का भूमिका यही है कि प्रतिनिधि देख रेख करेंगे, ठीक ना, मुखिया जी भी देख रेख करते हैं पंचायत में, जहाँ समिति का योजना चलता है समिति भी करते हैं, जहाँ तक माननीय प्रमुख साहब की बात है तो उनके भी स्कीम में 2.5 लाख का हम लोग भुगतान किए हैं, जिसमें मास्टर रोल पर उनकी सर। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, मैं प्रखंड झाझा में एज ए कन्या अभियंता कार्यरत हूँ मनरेगा। क्या आप अपने मनरेगा में जी, आपके पास अभी तक कोई शिकायत आया है क्या? नहीं, इस तरह की तो कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, और कभी कभार अगर शिकायत आती भी है तो हम लोग जांच करके उसी समय उसका निराकरण भी कर देते हैं। अपने दिल से बोलिए। मैं पत्रकार बलजीत पासवान निपक्ष होकर इनसे जानना चाह रहे हैं कि दिल से बोलिए कि सही में अभी तक आपके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं आया क्या? नहीं, कंप्लेन का जो कहा और उसे सुझाव कर दिए हैं आप? जो भी कंप्लेन प्राप्त होता है उसका एक, जैसे सर हैं इनके अध्यक्षता में या फिर ये संबंधित आदमी को ऑथराइज करते हैं, वो जाके जांच करते हैं, जांच करके जो उसका प्रतिवेदन होता है वो हम लोग आगे अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजते हैं। सर अभी जवाब दिए हमें कि हम बहुत अच्छे दोषी नहीं हैं और हमें अच्छा भी लगा इनका सुझाव, और जो आरोप इन पे लगाया है जो भी प्रतिनिधि, इन्होंने सफाई दिया कि वो बेबुनियाद है और गलत है, उनके पास कोई सबूत नहीं। अगर सबूत मिल जाते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे, क्या ये सत्य है क्या? हाँ सर, के स्तर से कार्रवाई होती है। कितना परसेंटेज सत्य है सर? नहीं, कार्रवाई तो होती ही है, जिस भी किसी तरह का 100 में 100। हाँ, इसमें कोई ये नहीं है शंका। अगर 100 में 100 होती तो आज इन पे आरोप नहीं लगता, कुछ तो इनमें खामियां हैं जो कि आरोप लगाया जा रहा है। सर क्या बताना चाहिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है।